आज मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का बात है कि आज मैं मेरे TNN24 न्यूज के चीफ एडिटर मिस्टर रियाज शेख का जो बर्थडे है वो सर मैं आपको कैसे विश करता हूँ सर, क्या आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर। इक्यावनवा जन्मदिन आप बोल रहे, बाकी लग तो नहीं रहा कि 51 साल के हो चुके हैं। देखो अभी भी आज ऐसा लगता है कि अभी हमने हाल ही में पठान जो मूवी जो रिलीज हुई है और ये सब पठान मूवी के जो चर्चे हो रहे थे, ठीक उसी तरह हमारे रियाज सर की भी चर्चे है। और माशाल्लाह देखो स्माइलिंग कितनी खूबसूरत है, अगर कहीं ना कहीं अवसर पर आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या लेना पसंद करोगे? बोलना तो बहुत कुछ है, लेना कुछ नहीं है वैसे, बोलना बहुत कुछ है क्योंकि आज हमारे सर का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से और अपने TNN24 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का बात है कि आज मैं मेरे TNN24 न्यूज़ के चीफ एडिटर मिस्टर रियाज शेख का जो बर्थडे है वो सर मैं आपको फिर से विश करता हूँ सर, क्या आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर। और सर आपने जैसे बताया कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, तो TNN24 न्यूज़ पे आने के बाद मैं जब से मैं TNN24 न्यूज़ के साथ में जुड़ा हूँ सर, तो तब से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, सच्चाई अच्छाई जो हमने TNN24 न्यूज़ के चीफ एडिटर से सीखा है और उनको देखकर हमने जो दो कदम आगे बढ़ाए हैं, तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें सीखे। बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय अभी इतना है नहीं, और हमारे बाकी साथी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कुछ ना कुछ रियाज सर के बारे में बोलना चाहेंगे। तो मेरी दिली शुभकामनाएं रियाज सर के लिए कि जिस तरह रियाज सर की इतनी तरक्की और कामयाबी हो रही, तो मैं अल्लाह से भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि इन्होंने दिन दुनिया रात चौकी तरक्की अता फरमाए और बहुत कामयाबी इन्हें अल्लाह ताला दे। मेरा जन्मदिन था और मेरे यार दोस्तों ने सभी ने जिन्होंने वीडियोस बनाकर सेंड किया या जिन्होंने पोस्ट बनाकर सेंड किया उन सबका भी, और यहाँ जितने तमाम मेरे सब दोस्त मेरी टीम TNN की और मेरे हमदर्द जो मुझे बहुत चाहते हैं प्यार करते हैं, वो आज हम लोग ने खुद ने लेके आया और इन्होंने ही काटा है। आज मेरा यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं बिल्कुल अजीज चाचा मेरे साथ खड़े हैं, नदीम भाई है, राजू अंसारी साहब नगर सेवक है, भूतपूर्व नगर सेवक, और सईद चचा है यहाँ, सईद भाई है, अब्दुल भाई है हमारे TNN वाले, और जमीन अख्तर साहब है, चौहान है, शहबाज अख्तर साहब है, और मेरे अच्छे दोस्त सुरेंद्र कश्यप यहाँ मौजूद है, और सभी यहाँ मौजूद है जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कल रात से 12 बजे से लेकर अभी तक लगातार मुझे वो वीडियो बनाकर पोस्ट बनाकर या किसी तरह फ़ोन कर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूरे भारत से जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई और लगातार दी गई। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे अपनी तरफ से कि आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना चाहते हैं आप,
और इतनी खुशियों में मेरी खुशियों में शामिल भी हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। संतोष उपाध्याय जी हमारे जो आनंद नगर चौक नागपुर पश्चिम से, उन्होंने भी मुबारकबाद दिया और तमाम लोगों ने जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दिया उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का ये जन्मदिन खुशियों का जन्मदिन है। कैसा लगता है सर जब ऐसा कभी जिंदगी में एक खुशी का मुकाम आता है और जब सारे अपने मिलके मुबारकबाद देते हैं, दूर दूर से मैसेज आते हैं, संदेश आते हैं, तो किस तरह का खुशी का आप इजहार जाहिर करते हैं जब अपने ही अपनों को बहुत खुश होकर मैसेज करते हैं? क्या होता है ना कि अब्दुल भाई, जब हम कुछ काम करते हैं ना तो लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं और जब हम अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड उनका प्यार मिलता है, उनकी मोहब्बत मिलती है, उनके जो कमेंट्स रहते हैं, उनके जो पोस्ट रहते हैं, और वो लोग जो हमेशा हमें न्यूज़ चैनलों में देखते हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं और यही वजह है जो हमारी खुशियों में शामिल भी होते हैं। रियाज शेख साहब का आज जो पैदाइश के मौके पर जो बर्थडे केक काटा गया मुस्लिम नागपुर मुस्लिम लीग के ऑफिस के अंदर मुनपुरे में, ये उनके मोहब्बतकारी जो लोग साथ में थे जिन्होंने जो इनकी खुशियों के अंदर में शरीक रहकर इनको दिल से जो है हैप्पी बर्थडे का जो गिफ्ट के रूप में, केक के रूप में और याद के रूप में जो मनाया जा रहा है, मुझे मुबारकबाद दिया और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना बर्थडे याद रखते हैं कि हम इतने इतने साल के हुए, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि हम कितने साल जिएंगे, लेकिन चंद जो हमारे पास दिन है जिन तक हम जिंदा है तब तक हम सबकी खुशियों में शामिल रहें, सबको प्यार बांटें, सबसे मोहब्बत से रहें और सबके साथ भाईचारा बना के रखें। आपने के करीब जो दिल के अंदर उतरे हैं उन्हीं को आपका बर्थडे याद था, जो आपको विशेष सारी कल रात से कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे हकीकत में याद नहीं था, मैं जब अपने घर सोफे में लेटा हुआ था तो जब हमारे TNN 24 के शहबाज अख्तर जो है तड़पदार जो हमारे चैनल में है उन्होंने मुझे याद दिलाया। उसके बाद फिर आप तमाम लोगों ने मुझे कॉल करके याद दिलाया कि नहीं ये बर्थडे जो है आज क्या हुई है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ ऐसी टीम बनी है जो एकदम मेरे कांधे से कांधा लगा के काम करती है और मेरे हर सुख दुख में वो साथ रहती है। तो फिर मैं एक बार तमाम लोगों का, पूरे भारतवर्ष के लोगों का, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चाहते हैं मुझे प्यार करते हैं, सबका तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे बर्थडे पर आज मुझे याद किया। और आज हम नागपुर के मुस्लिम लीग के ऑफिस के सामने मणिपुरा में हैं जहाँ आप लोगों ने आज मेरा बर्थडे जो है वो विश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का और आपका प्यार मैं हमेशा याद रखूँगा, मैं दुआ में याद रखूँगी। जय हिंद। मतलब कहना चाहता हूँ कि आज जिस शख्सियत के बर्थडे में हम लोग शरीक हुए हैं वो शख्सियत एक आर्डनरी शख्सियत नहीं मानी जा सकती कि मतलब जिनको राज्यपाल पुरस्कृत। इस बारे में नहीं बोलना मैं कुछ, 26 साल के तो वो उनको नागपुर आने में 26 साल हुए हैं और ईयर्स को उनके जन्म ईयर्स को 51 साल हुए। तो आइए हमारे बीच में और हमारे साथी मौजूद है, कश्यप सर भी बीच में हमारे यहाँ मौजूद है, तो कश्यप सर आप क्या बोलना चाहेंगे? वाकई में 26 साल की है वो दिखने कैसा 51वां जन्मदिन मना लिया उनका। वो लोग फॉरवर्ड में जाते हैं यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं। इस बारे में आपको क्या बोलना, ये राज क्या है? राज तो ये उन्हीं को मालूम है उनका राज, हम कैसे बताएंगे उनके अंदर की बात। आइए जामिना, सीना 56 इंच का कहा जाता है। बात तो सही है कि वो 51 साल के हैं लेकिन वो अपने आप को 26 साल बता रहे हैं और ये बहुत सस्पेंस वाली बात है और उनके चेहरे से तो वैसे भी नहीं लगता है कि
वो 51 साल के होंगे। नहीं ना, आपने गलत बोला, लंबी उम्र ना हो, उम्र और घटे ऐसा बोलिए। लंबी उम्र हो, जन्मदिन में जो है 26 साल के ही रहे, ये भी एक शुभकामना है। आप क्या बोलना चाहिए? हैप्पी बर्थडे राज भाई, अल्लाह आपको लंबी हो। हमारे साथी बहुत मौज मस्ती के मूड में है, तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि जामिन अतर साहब ने भी आपकी लंबी दुआओं की शुभकामनाएं आपको दी है, और कश्यप सर ने भी आपको शुभकामनाएं दी है। लेकिन 51 का जब भी फिक्र आता है तो ये 26 पे रिटर्न आते हैं, तो ये 51 और 26 के बीच में रास क्या है? रहे 26 के आगे 27 ना हो, ये 26 साल के हमेशा दिखते रहे। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये सबकी दुआओं का असर है, आप तमाम लोगों का प्यार मेरे साथ है, और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है। और वैसे भी ना उम्र जो है वो बढ़ती जाती है इंसान की, लेकिन इंसान जो है वो दिल से जवान रहता है, और हमें हर मुसीबत को, हर परेशानी को सामना करना होता है, हमें फाइट करना होता है, हर फेस को फाइट करना होता है। और आप अच्छे काम करें, नेकियां कमाएं, लोगों की मदद करें, यही सबसे बड़ी बात है। और आपकी जवानी का भी राज ये होता है कि आप खुल कर जिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है, और ज़िंदगी को खुल कर जीना चाहिए इंसान ने, मेरा ये कहना है। रहा उम्र की बात, तो इंसान दिल से जवान होता है, उसकी बॉडी से बूढ़ा ज़रूर लगता है, लेकिन दिल उसका हमेशा जवान होता है। और खुल कर जिए, और लोगों की मदद करें, लोगों का साथ दें। और मैं कश्यप भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जामिन अतर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सोफियान का अंसारी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शहबाज़ अख्तर, सोहान अख्तर, सोहान अंसारी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शहबाज़ अख्तर साहब का, और हमारे दबंग TNN 24 न्यूज़ के पत्रकार अब्दुल शेख भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे मेरे जन्मदिन पर बधाई दी। और आपको याद होगा कि नागपुर के रेलवे स्टेशन पर वेस्टेज जो बूंगी बनाया गया था, जिसका ब्लॉग आपने मेरे ब्लॉग चैनल पे देखा है, रियाज शेख पे, और बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया है। यहाँ तो हम आज मेरा हम लोगों का मतलब मेरा जन्मदिन जो उन्होंने वहाँ मोमिनपुरा में मनाया गया मुस्लिम लीग के ऑफिस के सामने, और वहाँ से हम सब लोगों का बधाई वगैरह देकर लेकर सब करा के हम लोग फिर यहाँ आए हैं। तो अभी हम एक इंजॉय कर रहे हैं, छोटी सी पार्टी मना रहे हैं मेरे जन्मदिन की खुशी पर, और मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त, मेरे भाई सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और फिर मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर वीडियो बना के मेरे साथ पोस्ट किया, तस्वीरें सेंड की, और नहीं हो सका तो मेरे व्हाट्सएप पर उन्होंने बधाई दी है मेरे जन्मदिन की, और जिसने जैसा चाहा वैसे बधाई दी है। और मैं तमाम भारतवर्ष के तमाम मेरे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का, और मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।